अनिल विज जी भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। हालांकि अनिल विज जी पहले भी कह चुके हैं पार्टी उनको चाहे चौकीदार का काम दे तो वो पार्टी के लिए चौकीदारा भी करेंगे। ये अनिल विज जी ने साफ कर दिया कि किसी तरह का कोई विरोध का स्वर किसी तरह का उनकी तरफ से नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। नायब सिंह सैनी ने एक अच्छी जीत के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की जो शपथ है वो ग्रहण कर ली। एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री जो थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एनडीए के बड़े नेता, भारत के लगभग 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल के 13 और विधायकों के साथ जो शपथ ली है, आइए जानते हैं कि जो मंत्री हैं उनको कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। इनसे चर्चा करते हैं जिनको शपथ दिलाई गई है इनको कौन कौन से विभाग जो है वो मिल सकते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, आज एक भव्य समारोह में नायब सिंह सैनी को जो है शपथ दिला दी गई मुख्यमंत्री पद की। इसके साथ साथ 13 और विधायक जो थे उन्होंने भी शपथ ली है। क्या लगता है कि उनको कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं? जैसे अनिल विज की बात करें, जो सबसे, मैं कहूंगा वयोवृद्ध इस समय, या सबसे एक सीनियर लीडर कह सकते हैं, जो मुख्यमंत्री पद का दावा भी करते थे कहीं ना कहीं, उनको कौन सा विभाग मिल सकता है? इसके अलावा जो बाकी मंत्री हैं उनको कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं? सबसे पहले तो मैं हरियाणा की नई सरकार का जो गठन हुआ है पूरे प्रदेशवासियों को अर्थ प्रकाश की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली है। ये सभी प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और इस जो आज शपथ समारोह में आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे, ये और भी इस शपथ समारोह को और भी ज्यादा गौरवान्वित और ऐतिहासिक बनाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति हरियाणा सरकार का गठन हुआ है उसको एक शक्ति प्रदान करती है, एक पावर प्रदान करती है। और इसीलिए मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि जी बिल्कुल पूरे के पूरे जो मंत्रिमंडल है और सभी जो जितना हरियाणा विधानसभा में मंत्रियों का कोटा बनता है वो सभी के सभी मंत्रियों को आज शपथ पहली बार शपथ दिलवाई गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐतिहासिक घटना है। यस यस। और ये पहले भी अंदेशा था हमें कहीं ना कहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में आ रहे हैं, इससे लगता था कि कहीं ना कहीं एक पावर के साथ जो नायब सिंह सैनी को शपथ ग्रहण करवाएंगे, और ऐसा ही हुआ। और एक फुल ब्लेस्ड, मुझे लगता है एक बहुत पावर के उनको मुख्यमंत्री को देने का प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है। जी, और आज जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 13 और अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। जी। ये प्रदेशवासियों के लिए और सभी के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। जी बिल्कुल, उनका कोरोना इसमें पूरा हो जाता है हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है विधानसभा का। हाँ, और बड़ा जातीय समीकरण साध कर उन्होंने जो विधायकों हैं उनको मंत्री बनाया है। जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो पंजाबी समुदाय से एक जो विधायक को अनिल विज जी को मंत्री बनाया है, और जाट समुदाय से दो हैं, दो विधायकों को मंत्री बनाया है। जाट में एक महिला है और एक पुरुष है, और दो महिलाओं को भी मंत्री मंडल में शामिल किया गया है, और शेड्यूल कास्ट के दो विधायकों को मंत्री बनाया है। इसी तरह से बैकवर्ड क्लास के जो ओबीसी जिसको बोलते हैं, वहां पे दो विधायकों को मंत्री बनाया है, और इसी तरह से ब्राह्मण समुदाय से दो विधायकों को मंत्री बनाया है, और जो अहीर समुदाय है, राव समुदाय, वहां से भी दो, जो जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है, उनको, उन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसी प्रकार से वैश्य समुदाय की अगर बात करें तो दो एक 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 विधायक को वैश्य समुदाय से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राजपूत समुदाय से एक विधायक को शामिल किया गया। इस तरह से 13 जो विधायक हैं उनको
मंत्री की शपथ माननीय जो राज्यपाल महोदय ने दिलवाई है और एक नई सरकार का गठन हुआ है। अब मंत्री जिनको जिन विधायकों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली है तो उनको कौन कौन से विभाग दिए जा सकते हैं जी, उस पर हम चर्चा करते हैं। अभी जैसे दो नंबर पे, एक सबसे पहले नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद है अनिल विज ने दो नंबर पर आज जो शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली। पहले हम बात करते हैं नायब सिंह सैनी जी की। नायब सिंह सैनी अपने पास कौन कौन से विभाग रख सकते हैं ये देखने वाली बात है। और मुझे लगता है हरियाणा में कानून व्यवस्था की एक चुनौती बना हुआ है और कानून व्यवस्था को देखते हुए नायब सिंह सैनी ने अपना जो पहले जो मार्च में जो 12 मार्च के बाद मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था उसके बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी सबसे पहले प्राथमिकता रही है। और आपने देखा होगा दिल्ली में या गुड़गांव के पास कई जो भगोड़े जो गैंगस्टर थे उनका उन्होंने उनकी सरकार में उनके नेतृत्व में और वो एनकाउंटर भी हुआ और कहीं कहीं उन्होंने उस समय संदेश दिया था कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद हरियाणा में किया जाएगा। और इसी को देखते हुए नायब सिंह सैनी मुझे लगता है गृह जो विभाग है हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है वो गृह विभाग अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ गृह विभाग के साथ साथ पब्लिक रिलेशन एक इस सरकार में बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, पब्लिक रिलेशन रख सकते हैं। उसके साथ साथ और दर्जन भर से भी अधिक महकमे जो डायरेक्ट जिनका मुख्यमंत्री से जुड़ाव रहता है वो विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद आता है जिन्होंने दो नंबर पे शपथ ली है अनिल विज जी माला कैंट से सातवीं बार विधायक बने, बहुत ही पार्टी के बहुत ही सीनियर विधायक हैं। सातवीं बार विधायक मुझे लगता है दो ही पूरे हरियाणा विधानसभा में दो ही विधायक ऐसे हैं जो दो ही चेहरे ऐसे हैं जो जिन्होंने सातवीं बार विधानसभा में जो आए हैं, एक डॉक्टर रघुवीर कादियान मुझे लगता हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो और एक अनिल विज जी, तो दो इसलिए बहुत सीनियर विधायक है उनको मुझे लगता है अगर गृह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है अनिल विज जी के पास वित्त विभाग रह सकता है। वित्त विभाग फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है, पूरा एक फाइनेंस बजट पेश करना होता है, पूरे सभी डिपार्टमेंट का सभी योजनाओं को देखकर बजट तैयार करना होता है। मुझे लगता है फाइनेंस विभाग वित्त जो है वित्त विभाग अनिल विज जी को मिल सकता है। उसके बाद तीन नंबर पे जिन्होंने शपथ ली कृष्ण पवार भी कई बार मुझे लगता है छठी बार शायद वो विधायक बने हैं और कृष्ण लाल पवार का एक अनुभव भी रहा है, विभिन्न महकमे उनके पास रहे, ट्रांसपोर्ट महकमा रहा है, ट्रांसपोर्ट में जो परिवहन विभाग के जो कर्मचारियों ने स्ट्राइक की थी 2016 में और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया था, टैकल किया था। और ट्रांसपोर्ट विभाग मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट विभाग या पावर डिपार्टमेंट बिजली विभाग मिल सकता है। इन दोनों विभागों में से कृष्णलाल पवार को, और कृष्णलाल पवार का एक लोकसभा का भी राज्यसभा का भी एक अनुभव रहा है और बड़े अनुभवी हैं, इसलिए कहीं ना कहीं दो बड़े इंपॉर्टेंट उनको विभाग मिल सकते हैं, परिवहन विभाग या बिजली विभाग। इसके बाद आते हैं राव नरबीर जी। राव नरबीर भी 5-6 बार के विधायक हैं और पहले भी कई मंत्रालय उनके कई विभाग उनके पास रहे हैं और पहले पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास था, पीडब्ल्यूडी विभाग में बहुत अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया था और अभी भी मुझे लगता है कि इनकी पीडब्ल्यूडी विभाग उनको मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं जी। ये मुख्यमंत्री जी की एक वो है क्षेत्राधिकार है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है। उसके बाद महिपाल डांडा पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार के विधायक हैं और जाट समुदाय से आते हैं और इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 12 मार्च को शपथ ली थी उसके बाद अपने मंत्रिमंडल में महिपाल डांडा को शामिल किया गया था, वो विकास एवं पंचायत विभाग उनको दिया था और मुझे लगता है अभी भी महिपाल डांडा को विकास एवं पंचायत विभाग मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी उनपे पंचायत विभाग की जो जिम्मेवारी है उनको जता दे सकते हैं उनको। इसके बाद विपुल गोयल जी हैं, विपुल गोयल फरीदाबाद से विधायक हैं जी और पहले भी वो मंत्री रहे हैं 2000
14 में विधायक बने थे और 2014 से 19 तक के बीच में मंत्री रहे हैं वो। और शहरी निकाय विभाग मुझे लगता है कहीं ना कहीं अर्बन क्षेत्र से वो आते हैं। फरीदाबाद बहुत एक बड़ा अर्बन एरिया है और सलम बस्तियों का कैसे सुधार करना है, विपुल गोयल जी मुझे लगता है इस बार मामले में विशेषज्ञ भी हैं और उन्होंने पहले भी काम किया है। शहरी निकाय विभाग विपुल गोयल जी को मिल सकता है। अब बात आती है अरविंद शर्मा की। अरविंद शर्मा पहले एमपी भी रहे हैं और उसके अब जो संसदीय चुनाव में रोहतक से चुनाव हार गए थे, उसके बाद उन्होंने पार्टी ने उनको गोहाना से उम्मीदवार बनाया और वो जीते जी। और अरविंद शर्मा को कहीं ना कहीं मुझे लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी जा सकती है जी। श्याम सिंह राणा है, श्याम सिंह राणा पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उसके बाद इनेलो में चले गए थे, इनेलो के बाद फिर अब भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनपे इंद्री विधानसभा से भरोसा जताया, उनको उम्मीदवार बनाया और वो जीते। और श्याम सिंह राणा को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इरिगेशन डिपार्टमेंट उनको दिया जा सकता है, सिंचाई विभाग जी। रणवीर गंगवा है, डिप्टी स्पीकर थे पहले और अभी बरवाड़ा से विधायक चुने गए हैं, तो रणवीर गंगवा को कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिंचाई विभाग अगर श्याम सिंह राणा जी को मिलता है तो रणवीर गंगवा जी को शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी मुझे लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको दिया जा सकता है जी जी। और इसके बाद कृष्ण बेदी जो नरवाना से विधायक चुने गए हैं, शाहबाद से पहले विधायक चुने गए जी, बिल्कुल जी। 2014 में वो और 2019 में उन्होंने वो भारतीय जनता पार्टी से ही शाहबाद से उम्मीदवार थे, हालांकि चुनाव हार गए थे लेकिन अब उनके सीट जो विधानसभा क्षेत्र शिफ्ट किया गया, नरवाना उनको भेजा गया, नरवाना से भी जीते वो। लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं कहीं जो कृष्ण बेदी जी को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी, दे सकते हैं, क्योंकि वो ऐसी समुदाय से आते हैं और समाज कल्याण के जो कार्य हैं मुझे लगता है ज्यादातर शेड्यूल कास्ट जो दलित समुदाय से ऐसी समुदाय के लोगों से जुड़े हुए कार्य ज्यादा होते हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण बेदी को समाज कल्याण विभाग की जिम्मेवारी दी जा सकती है। श्रुति चौधरी जो तोसाम से विधायक बनी, पहली बार विधायक बनी, पहले वो हालांकि सांसद रह चुकी है, पहली बार बनी है। श्रुति चौधरी को किरण चौधरी की बड़ा नाम है कि किरण चौधरी की बेटी है और चौधरी बंसीलाल की पोती है जी। और कहीं ना कहीं उनको महिला बाल कल्याण विभाग की जिम्मेवारी उनको मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। आरती राव भी राविंदर जीत जी की बेटी है और अहिर समुदाय से आती है। राविंदर जीत जी का एक नाम है पूरे इलाके में, अहिर वाल के वो एक छत्र नेत्र माने जाते हैं और उनकी बेटी अभी पहली बार चुनाव जीती है, तो उनका जो उनको मुझे लगता है कि कहीं कहीं शिक्षा विभाग उनको दिया जा सकता है। राजेश नागर जो तिगांव से चुनाव जीत कर आए हैं जी और ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनको जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी उनको दे सकते हैं। इसके साथ ही गौरव गौतम जो पलवल से विधायक चुन कर आए हैं, गौरव गौतम को खेल विभाग की जिम्मेवारी मुझे कहीं कहीं ऐसा होता है लगता है कि गौरव गौतम जी को खेल विभाग का जिम्मा सौंपा जा सकता है। इस प्रकार से पूरा एक मुख्यमंत्री जी ये भी देखेंगे कि कौन किस विभाग में बेहतर काम कर सकता है। जैसे कई विधायकों के पास पहले भी विभाग रहे हैं, उन विभागों में उनका जो एक वो राय है कि किस प्रकार से उन्होंने विशेषज्ञ के रूप में काम किया, बेहतर काम किया, उस काम को देखते हुए भी कहीं ना कहीं विभागों की जिम्मेवारी अलग अलग मंत्रियों को सौंपेंगे। बिल्कुल ठीक है। हरियाणा की मंत्रिमंडल है उसमें दो महिलाएं जो है उनको जगह दी गई है। आपने हालांकि दोनों महिलाओं के लिए स्पष्ट कर दिया कि उनको कौन कौन से विभाग मिल सकते हैं, फिर भी मैं अगर एक्सपर्टी के उस पर कहूं कि अगर उनकी एक्सपर्टीज को देखा जाए, हालांकि अगर राव इंद्रजीत की बेटी जो है आरती राव की बात करें तो पहली बार चुनाव जीती है, दूसरी तरफ बात करें अगर श्रुति की बात करें तो वो भी से पहले सांसद थी और कहीं ना कहीं तो शाम से पहली बार ही चुनाव जो है विधानसभा को जीती है, तो इन ये दोनों बड़े परिवारों से आती है,
तो इनकी एक्सपर्टी को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं दावा एक अच्छे और बड़े विभाग पे इनका हो सकता है, तो ऐसे कौन कौन से विभाग हो सकते हैं जो स्पेशली इन दोनों के लिए हो सकते हैं? देखिए, जैसे हमने बात की श्रुति चौधरी की बात की, जो तो शाम से विधायक बनी है जी, और महिलाओं महिला है वो श्रुति चौधरी, तो महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है किसी भी स्टेट की, किसी भी देश की प्रगति में, और 50% महिलाएं हम मान के चलते हैं पूरे जनसंख्या का, और उनकी समस्याओं को टैकल करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण किसी सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है, और इन जो महिलाओं की समस्याएं हैं उन समस्याओं को महिला मंत्री ही बेहतर तरीके से समझ सकती हैं, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये इस विभाग की जो महिला कल्याण विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, महिला चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर जो होता है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जी डिपार्टमेंट है, जो इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 100% मान के चलो कि कहीं महिला मंत्री को ही जिम्मेवारी देंगे, इसमें ज्यादा चांसेस ऐसे हैं कि श्रुति चौधरी को जी इस विभाग का जिम्मा सौंपा जा सकता है। दूसरी ओर जो आरती राव है, आरती राव एक शिक्षित परिवार से आती है, वो खुद भी एक बड़ी एजुकेशनिस्ट हैं और उनके अपने एजुकेशन के संस्थान भी वो चला रही हैं, और कहीं कहीं वो शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी उनको मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं जी। कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हैं श्रुति की, तो उनको महिला एंड बाल कल्याण विभाग जो है उसकी जिम्मेवारी, और अगर बात करें आरती राव की तो उसको शिक्षा विभाग जो शिक्षा है, विभाग वो मिल सकता है जी। अब बात करते हैं, देखिए आपने बात की अनिल विज की, अनिल विज को आप कहते हैं कि वित्त मंत्रालय मिल सकता है, हालांकि वो पहले हरियाणा के गृह मंत्री भी रहे हैं, उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट भी रहा है, क्या जो गृह मंत्रालय है वो जैसे आपने बताया कि मुख्यमंत्री अपने पास रख सकते हैं, तो क्या इस बात पे जो अनिल विज है उनको कुछ दिक्कत नहीं हो सकती कि उनके पास पहले दो विभाग रहे हैं, अब उनको सिर्फ एक वित्त विभाग दे दिया जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकती? देखिए, वित्त विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग होता है जी, और पहले अनिल विज जी के पास होम के साथ साथ गृह मंत्रालय विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी रहा जी, दोनों विभाग बड़े इंपॉर्टेंट है जी, और उससे भी इम्पोर्टेंट वित्त विभाग को माना जाता है जी। बड़ा उनमें कई योजनाओं पे काम करना होता है, कई योजनाओं को बजट अलॉट करने की बात होती है, बड़ा मंथन करना होता है, हालांकि ये जो पहले गृह विभाग उनके पास रहा है, किन कारणों से नहीं दिया जाएगा ये तो आम पब्लिक को भी पता है कि मुझे लगता है गृह विभाग मुख्यमंत्री जी उनको नहीं देंगे, नहीं दिया जाएगा क्योंकि लैंड ऑर्डर की जो समस्या है पिछली बार, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो दबंग नेता रहे हैं, चुनौती बनी रही है, दबंग नेता रहे हैं, और उनकी दबंगई जो है वो अक्सर नजर आती है कि वो अपनी बातों को बड़ा खुल कर रखते हैं सामने, तो उसे अगर उनको उनका मन चाह, देखिए जहां तक मुख्यमंत्री की बात है वो जो है पद उनको नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि उनको उनकी पसंद का कोई ऐसा डिपार्टमेंट है वो जरूर मिले। इस जो शपथ समारोह में है, शपथ समारोह में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आए हैं, तो एक मुख्यमंत्री को एक मैसेज देके गए हैं, और पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है, पूरे जो विधायक हैं इनके, एक मैसेज देके गए हैं कि किसी तरह की कोई अनुशासनहीनता कोई नहीं दिखाएगा, और ये मैसेज मुझे लगता है सभी विधायकों को मिल गया है, तो कोई भी विधायक मुख्यमंत्री जिसको जो विभाग देंगे वो किसी तरह का भी कोई अस्वीकार करने की भावना उनमें नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, और ना ही किसी तरह की ना नौकर की कोई किसी तरह की मुझे लगता खबर भी नहीं आएगी जी, तो किसी का भी हिम्मत, कोई भी विधायक हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, अनिल विज जी भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, हालांकि अनिल विज जी पहले भी कह चुके हैं पार्टी उनको चाहे चौकीदार का काम दे तो वो पार्टी के लिए चौकीदारा भी करेंगे, ये अनिल विज जी ने साफ कर दिया कि किसी तरह का कोई विरोध का स्वर किसी तरह का उनकी तरफ से नहीं आएगा, ये मान के चलो आप जो भी विभाग जिस भी विधायक को जिस भी मंत्री को दिया जाएगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। सो दोस्तों, ये एक अनुमान है कि जो 13 विधायक है जिन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री के साथ, उनको जो डिपार्टमेंट मेहरा साहब ने बताया कि उनको शायद हो सकता है कि ये डिपार्टमेंट मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक कयास है, ये एक अनुमान है।
और मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी वो कौन कौन से डिपार्टमेंट अपने पास रखते हैं, ये खैर आने वाले 2 या 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। आप देखते रहे अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।